जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रसारण श्रृंखला में, जिसमें आप देख रहे हैं भगवान शीतलनाथ की गर्भ जन्म तप और ज्ञान कल्याणक भूमि विदिशा में आयोजित श्री अहर चक्र संवशरण महामंडल विधान की भव्य झलकियां। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से उनके आज्ञानुवर्ती शिष्य मुनि श्री अभय सागर जी, मुनि श्री प्रभात सागर जी और मुनि श्री पूज्य सागर जी के सानिध्य में संपन्न होने वाले इस विधान में 31 भव्य संवशरण बनाए गए हैं, जिसमें सैकड़ों पुण्यशाली भक्त संगीत के साथ प्रभु की आराधना कर रहे हैं। विधान के तीसरे दिन की शुरुआत प्रातः काल 6 बजे अभिषेक एवं शांति धारा से हुई। विष्णा प्यामी स्वाहा स्वाहा मेरे प्यारी भक्तों सुन लो, धोती पट्टे बाली आ रहे रंगीन साड़ी बाली बहने पीछे से बाहर से दर्शन करो ओम रीम त्री विश्वादी वीरांतान जले विष्णा प्यामी स्वाहा वीरांतान जले विष्णा प्यामी स्वाहा ओम रीम त्री विश्वादी वीरांतान जले सिद्धार्थम सर्व निवारार्थम श्रीमद भगवत अर्हत सर्व परमिष्टि परम पवित्राए नमो नमः। समस्त शांति धारा करने वाले देखने वाले समस्त समाज श्री शांति भट्टारक पाद पद प्रसादा सद्धर्म श्री बल आयु आरोग्य ऐश्वरी अभिवृद्धि रस्तु सद्धा ओम बृहस्पाद्या श्री वर्धमान पर्यंता चतुर्विंशति अरहंता भगवंता सर्वज्ञा परम मंगल नाम धेया। समस्त शांति धारा करने वाले देखने वाले समस्त समाज यह मुत्रागा सिद्धम तन्मंतु सद्धर्म कार्येशु यह मुत्रागा सिद्ध प्रचन्तु नः। ओम नमः रते भगवते श्रीमते श्रीमत्पास्तिशंकरा श्रीमद्रत्न रूपाय दिव्य तेजो मूर्ति प्रमंडल मंडता द्वादश गण सहता अनंत चतुष्ट सहता समुसर केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभताय अष्टादश दोष रहता षट चत्वारंत गुण संयुक्ताय परमेष्टि पवित्रा सम्यक ज्ञान स्वयंभुवि सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोक मेहता अनंत संसार चटपुनवत्नाय अनंत ध्यान दर्शन सुखस्प्रदाय त्रिलोक बसंकराय सत्य ज्ञान सद्विन प्रमंडल मंडता ऋषि आरका श्राव श्राव का पुनोचतु संगो सर्वनाशना घाती क्रम छंकरा अजरा अब्बासमाकम श्रीमान श्री कुमारी सुरती सराफ सुपुत्री सुनील कुमार सराफ श्रीमती सरोज सराफ सुकांत सराफ मुंगावली निवासना सुगन चंजी श्रीमती बिमलेश दीपक एलआईसी श्रीमती सरिता निकस भद्रबाऊ श्री कुमार कैलाशचंद जी मुनीम जी समस्त सपरिवार उपस्थित समस्त भव्य जाना नाम शांति धारा कट्टी नाम दशकाणाम व्याधिम घिनंतु श्री जिन अभिषेक पूजन प्रसादा समस्त शांति धारा करने वाले समस्त देखने वाले समस्त समाज सेवका नाम सर्व दोष शोक रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु। ओम नमः अरहते भगवते प्रचिंचित दुस्तुलमसा दिव्य तेजो मूर्ते नमः श्री शांतिनाथा शांतिकरा सर्व विनाशनाय सर्व रोग मृत्यु विनाशनाय सर्व परकृत क्षुद्ध उपद्रव विनाशनाय सर्व शांतिकराय ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम ह्रूम नमः मम सर्व विघ्न शांतिम कुरु कुरु मम तुष्टिम कुरु कुरु मम सर्व पुष्टिम कुरु कुरु स्वाहा मम कामम रति काम सभी लोग बोलिए बलि कामम क्रोधम पापम बैरम च अग्नि वायु भयम सर्व शत्रु विघ्नम सर्वोपसर्गम सर्व विघ्नम सर्व राज्य भयम सर्व चोर दुष्ट भयम सर्व सर्वस्याधिक भयम सर्व ग्रह भयम सर्व दोषम व्याधिम डावरम च सर्व परमत्रम सर्वाधघातम परघातम च जुरोगम च सर्व नरमारिम सर्व गज अस गोमहिष अजमारिम
सर्व सस्य धान वृक्ष लता गुल पत्त पुष्प फल मारिम सर्व राष्ट्र मारिम सरकुल बेताल साग्नि डाकनी भयानी सर्व बेदनीयम सर्व मोहनीयम सर्वास्मरम अस्माकम श्रीमान सागरमल सचिन कुमार स्वप्निल अनुराग ग्राफिक्स कुमारी श्रुति सराफ सुपुत्री सुनील कुमार सराफ श्रीमती सरोज सराफ भाई सुकांत सरल सराफ मंगावली निवासना सुगंधचंद श्रीमती बिमलेश दीपक एलआई जी श्रीमती सरिता निकस भद्रबाऊ श्रीमान कैलाश चंद जी मुनीम जी समस्त पर उपस्थित समस्त साझेदार करती नाम दक्षिणा ब्रह्मचारी भैया मुकेश आरोग्यार्थम अशुभ करम जनित दुख बोलो दुष्ट जन कृतान मंत्र तंत्र दुष्टि मुष्टि छल छिद्र दोषान सर्व दुष्ट देव दानव वीर नर नान सह योगिनी कृत दोषान सर्वार कुली नाग जनित विश्व भयानी सर्व स्थावर जंगम रश्चि सर्पादि कृत दोषान सर्व श्रेष्ठादि प्राधिकृत दोषान पर सत्तु कृत मारन उच्चाटन विभीषण मोहन वशीकरणादि कृत दोषान शांति धारा के बाद सभी भक्त एक और विराजे और श्री अर्ह चक्र महामंडल विधान की मंगल शुरुआत हुई। करो शांति भगवत जी और छत्र की मुद्रा बनाए बोले छत्री सभी लोग बोलो भानु कर प्रताप परमेश्वर ओम अर्मदी छत्र स्थापयामीति स्वाहोत्तम पावनानि वसुनु पुण्यम समग्र महमे ओम ह्रीम प्रत्येक प्रतिज्ञापना श्री आदिनाथ जन प्रतिमा करे दिव्य पुष्पांजलम छपे चौबीसों प्रभु से मंगल की कामना के साथ में प्रभु का नाम बड़ा प्यारा कि भवु से पार लगाएगा शरण में इसकी जो आएगा भव सागर से गिर जाएगा श्री शीतल श्री श्रीयान सस्ती श्री वासुपूज श्री विमल सस्ती सस्ती श्री अनंत श्री धर्म सस्ती सस्ती श्री शांति श्री बुद्ध सस्ती सस्ती श्री अन्नाथ श्री मल्ल सस्ती सस्ती श्री मनीषुवृता श्री नमी सस्ती सस्ती श्री देवी नाथा श्री पाश सस्ती सस्ती श्री वर्धमाना जोर से क्षीरम श्रीमंतो त्रिघ्नेतम श्रीमंतो मधुश्रमंतो पिबेतम श्रीमंतः अक्षीले संवास महान साशे सस्ति दिव्यासु परमलोक सम्यरे जलाय दियो रे जो हाथ लेकर आए दोनों हाथ ऊपर करिए नारद जी की मुद्रा हाँ ओ भाई साहब मगन भयो बनिए मगन भयो रे मगन भयो बनिए मगन भयो प्रभु की भक्ति में मनिए मगन भयो रे सिद्धाचार्य पद सर्व साधु जिंधन जिनागम जिंचे चित्यलेबो काम बाण विद्वंत नाय पुत्पाणी निर्भवामिते ना कुछ उपचार हुआ ओ प्रभु तो ही सहारा है यह रोग से स्वामी बोलिए नभो देव शरण आया साधु जिन धर्म जिनागम जिन चेच्य तलेबो महामो अंधकार विनायक ना दीपम निर्भवामिते देखो ये संसारी प्राणी कितना पागल है आज अपन किस घर को ओम सिद्धाचार्य पद सर्व साधु जिन धर्म जिनागम जिन चेत लेबो अष्ट कर्म दनाय धूपम निर्भवामिते तलेबो नमः स्वाहा ओम ब्रीम अर सिद्धाचार्य पद सर्व साधु जिन धर्म जिनागम जिन चेत लेबो नमः ओम ब्रीम अर सिद्धाचार्य पद सर्व साधु जिन धर्म जिनागम जिन चेत लेबो नमः ओम ब्रीम या समय सारा चिंतन गया हम नियम सारा मंथन कर रहे ज्ञानी मस्ती में स्वयं मस्ती में
अनुष्ठान के चलते भक्तों ने भक्ति नृत्य करते हुए प्रभु भक्ति की। विधान के मध्य जब पूज्य मुनि संघ का मंगल आगमन हुआ तो भक्तों ने खड़े होकर पूज्य मुनि संघ का अभिवादन किया। चलिए पूर्ण अर्घ लेंगे श्रीपल सहित। ओम ब्रीम समोसरण देव श्री अर्थ परमेटिभो जय माला पूर्ण पूर्णर्घम महाअर्घम निर्वपामिते। बलि संत श्रोमणि आचार्य और विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज मुनि श्री अमय सागर जी महाराज की। मुनि संघ के विराजमान होने के बाद पुण्यशाली भक्तों ने मुनि संघ को शास्त्र भेंट कर महान पुण्य अर्जन किया। मेरे गुरु महाना तेरे दीवाने आए हैं। मेरे गुरु महाना तेरे दीवाने आए हैं। मस्ती में झूमे नाचे मस्ताने आए विद्यासागर 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 महाना तेरे दीवाने आए मेरे गुरु महाना तेरे दीवाने आए इसके बाद वो अवसर आया जिसका भक्तों को बेसब्री से इंतजार था। जी हाँ, ये क्षण था मुनि संघ की दिव्य ध्वनि श्रवण करने का। क्या है, शायद आप सबको जानकारी होगी, यह एक तीर्थंकर नाम का नाम कर्म है। कर्म आठ हैं, उनमें से एक नाम कर्म है जो जिसमें तीर्थंकर नाम कर्म होता है। बहुत सीमित व्यक्ति होते हैं, विशेष पुण्यशाली जीव, जो इस कर्म का बंध करते हैं। भैया बात नहीं करो, है धीरे धीरे कर लो। हाँ, तीर्थंकर नाम कर्म का बंध करते हैं। बंध होने के बाद कर्म का उदय आता है। जब कर्म के बंध होने के बाद उदय आएगा, वह तीर्थंकर प्रकृति का उदय आने से फिर समोसरण आदि की प्राप्ति होती है। भगवान के पांच कल्याणक होते हैं, उनमें से गर्भ जन्म तप ज्ञान और मोक्ष। ज्ञान कल्याणक केवल ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद फिर भगवान के लिए समोसरण मिलता है। समोसरण सभा वह है जिसमें भगवान की दिव्य ध्वनि कीर्ति है अथवा भगवान के प्रवचन होते हैं। केवल ज्ञान होने के बाद तीर्थंकर प्रभु विहार करते हैं। विहार करने के समय कमलों का निर्माण होता है। कमलों के निर्माण के बाद जब भगवान कहीं रुक जाते हैं, तब उस समय समोसरण की सभा का निर्माण होता है। समोसरण निर्माण होने के बाद भी
जब गणधर परमेष्ठि तैयार हो जाते हैं तब फिर भगवान की वाणी खिरती है। वह तीर्थंकर प्रकृति का बंध केवली और श्रुत केवली के सानिध्य में होता है। ग्रंथों में इसके लिए पादमूल कहा है। उस सानिध्य में फिर तीर्थंकर प्रकृति का बंध गृहस्थ को भी संभव है। समझ रहे हैं गृहस्थ सब लोग? गृहस्थ को भी संभव है। एलक जी, छुल्लक जी, प्रतिमाधारी गृहस्थ और मुनिराजों को भी उस कर्म का बंध होता है। समव शरण में 8 भूमियाँ होती हैं। ध्वज भूमि होती है, मंडप भूमि होती है और भी बहुत सारी भूमियाँ होती हैं। जो पुण्यशाली जीव होता है वह तीर्थंकर प्रभु की दिव्य ध्वनि सुनने आता है। लेकिन समव शरण में हर प्रकार की व्यवस्था रहती है। जिनको कुछ नहीं करना, जैसे आप लोग आचार्य श्री के दर्शन करने जाते हो तो बहुत सीमित लोग ही दर्शन करते हैं, उनको आहार दान करते हैं, उनके प्रवचन सुनते हैं। लेकिन महिला वर्ग ज़्यादा बाजार में जो मार्केट सा लगा रहता है बाहर, उसमें से ये खरीदेंगे, वो खरीदेंगे, सब खरीदेंगे, दर्शन कराए, हाँ कराए। ऐसे ही समव शरण में अलग अलग स्थानों पर नाट्यशालाएँ होती हैं, लोग नाटक देख के चले जाते हैं। समव शरण में वह जीव विशेष जो होता है मिथ्या दृष्टि जीव को समव शरण में घुसने का स्थान ही नहीं है। अभव्य जीव वहाँ नहीं घुस पाते। जैसे ही घुसने का प्रयास करते हैं उनकी आंखें बंद हो जाती हैं, वो वहाँ पर नहीं घुस पाते। कौन घुस पाता है? जो सम्यक दृष्टि जीव होता है, मानस स्तंभ का दर्शन करने के बाद उसको सम्यक दर्शन हो जाता है, वही फिर समव शरण में आता है। समव शरण में बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। समव शरण वह है जो भव्य जीव होता है, वह भगवान के दर्शन करने, सम्यक दर्शन प्राप्त करने, पुण्य कमाने के लिए समव शरण में स्वयमेव ही जाता है और अपने आप को कृतकृत्य मानता है कि मैं समव शरण में प्रवेश कर गया हूँ, इसलिए मैं भव्य जीव हूँ। ऐसे ही तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी की वाणी खिर रही थी और वाणी खिरती है वह ओंकार रूप होती है। आप देख रहे होंगे 31 समव शरण की व्यवस्था की गई है। समव शरण वैसे एक तीर्थंकर के काल में एक ही होता है, लेकिन हमने स्थापना निक्षेप के माध्यम से यहाँ पर 31 किए हैं। 31 का प्रश्न कैसे खड़ा हुआ? 31 समव शरण हो गए, 24 होते हैं, तो प्रदीप भैया जी की बुद्धि चली और उन्होंने तीर्थंकर महावीर स्वामी के 5 नाम थे वो नाम रख दिए, पुष्यदंत भगवान और सुविधनाथ भगवान के 2 नाम थे वो रख दिए, वृषभदेव, आदिनाथ और ऋषभनाथ, ये 3 नाम प्रथम तीर्थंकर के थे। इस तरीके से 31 की व्यवस्था वर्तमान 24 की हो गई। वैसे एक तीर्थंकर के काल में एक ही समव शरण होता है, लेकिन स्थापना निक्षेप के माध्यम से हम सब ने यह कार्य किया। वीर प्रभु तीर्थंकर स्वामी की वाणी खिर रही थी, वाणी ओंकार रूप होती है और गणधर परमेष्ठि फिर इसका विस्तार करते हैं। जैसे तीर्थंकर प्रभु बोलते तो हैं, आप सब प्रवचन सुन रहे हैं, लेकिन यदि माइक नहीं हो तो आसपास के लोग ही प्रवचन सुन सकते हैं। लेकिन माइक जब होता है तब फिर दूर दूर तक लोग प्रवचन सुन लेते हैं। ऐसे ही गणधर परमेष्ठि एम्पलीफायर प्रवर्धक का काम करते हैं और तीर्थंकर प्रभु की वाणी को विस्तार देते हैं। तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की वाणी खिर रही थी और सब लोग समव शरण जा रहे थे उनकी वाणी सुनने के लिए। एक व्यक्ति वहाँ रहता था पास में और उसने सुन रखा था भगवान महावीर आए हैं, उनकी वाणी हम सबको सुनना चाहिए। लेकिन हर व्यक्ति का पुण्य नहीं होता उस वाणी को सुन ले, और उसने सुन रखा था कि वह
चोरी का काम करता था। चोर जो होता है उसके लिए लाइट या प्रकाश बाधक होता है चोरी करने में, तो उसको प्रकाश की दिक्कत हो रही थी। उसने सुन रखा था भगवान महावीर स्वामी का समोसरण आया है, हम सबको भी चलना चाहिए, लेकिन जिसका जो व्यवसाय होता है उसी व्यवसाय में लगा रहता है। यहाँ भी करीब 12 बजे तक आप सब विधान करते हैं और फिर उसके बाद अपनी अपनी दुकान खोल लेते हैं और जिसका जो व्यवसाय है, जिसकी जो नौकरी है, उसमें चले जाते हैं। चोर था, चोरी करता था और उसने सुन रखा था और अपने लड़के को भी शिक्षा दी। क्या शिक्षा दी? कि तुम कभी भी भगवान की वाणी नहीं सुनना, वाणी सुन लोगे तुम्हारा चोरी का व्यवसाय ठप हो जाएगा। हर व्यक्ति जानता है मेरा जो व्यवसाय है मुझे उन्नति करना है। इंजीनियर पिताजी हैं तो वह सोचते हैं कि मेरा लड़का भी इंजीनियर बन जाए और उसको 10th पास होने के बाद बड़े वाले लड़का प्रोत्तीर्ण हुआ हो, ग्रेस मार्क से पास हुआ हो, कहते हैं मैं इंजीनियर हूँ तो लड़का भी इंजीनियर बने और उसके लिए मैथ साइंस दिला देते हैं। जो बालक ग्रेस मार्क से पास हुआ 10th में, वह मैथ्स लेके करेगा क्या? लेकिन पिताजी का सपना रहता है कि मैं इंजीनियर हूँ तुम भी इंजीनियर बनो ही। ये हमारे लिए, बालकों के लिए अति भारारोपण की बात है। जिसकी जो क्षमता हो उसके अनुसार उसके लिए कार्य देना चाहिए। वह चोर था, चोरी वैसे कोई व्यवसाय नहीं है, लेकिन फिर भी बनिया के लिए पहले कहावत थी, तखरिया पकड़ना सिखाना नहीं पड़ता। जो बनिया होता है उसको व्यवसाय करना स्वयमेव ही आता है। वैसे ही चोर था, चोर ने अपने पुत्र के चोरी के लिए समझा दिया कि चोरी ऐसे की जाती है और चोरी करने के ढंग भी बता दिए। उसने बता दिया, आप हमें देखो हैं वहाँ नहीं देखो, चोर ने समझा दिया चोरी ऐसे की जाती है और भगवान महावीर स्वामी की वाणी तुम कभी नहीं सुनना, सुन लोगे तुम्हारा चोरी का व्यवसाय ठप हो जाएगा। उसने सुना और जब भी चोरी करने के लिए जाता भगवान महावीर स्वामी या तीर्थंकर की वाणी, दिन में 3 बार या 4 बार खिरती है, संध्या काल के समय खिरती है और वह 3-4 बार खिरती है। कितनी देर तक प्रवचन होते हैं भगवान के? वो 2 घंटे 24 मिनट तक, 2 घंटे 24 मिनट तक प्रवचन होते हैं और प्रवचन होते रहते हैं। जब भी वह चोर चोरी करने जाए और अपने कान में उंगलियां लगा ले, कान में उंगलियां लगा ले तो वह उसको प्रवचन सुनाई नहीं देते थे। उसको पिताजी की बात ध्यान थी, पिताजी का आज्ञाकारी वह पुत्र लड़का था। आजकल के पिता के लड़के इतने शायद आज्ञाकारी नहीं होते और पिता की बात नहीं मानते, क्योंकि आजकल के बच्चे एक ही होते हैं और एक में लाड़ के कारण बिगड़ जाते हैं। वह बिगड़ा नहीं, पिताजी की बात उसने मानी। जब भी चोरी करने जाता कान में उंगलियां लगा लेता, रास्ते से पैदल जाता था और एक बार की बात है कि उसको रास्ते में कांटा लग गया। कांटा लग गया है तो कांटा लग गया तो उसको निकालना भी पड़ेगा, तभी चोरी इस चोरी करने के स्थान पर पहुंचेगा। वह गया और कांटा उसको लग गया। अब कांटा निकालते हैं तो कांटा निकालने के लिए कम से कम एक हाथ का तो प्रयोग करना ही पड़ेगा, एक भले लगा रहे दूसरा तो निकालना ही पड़ेगा। और उसने कांटे निकालने के लिए एक हाथ से कान की उंगली पे निकाला और फिर कांटा निकाला। कांटा निकालने में जितना समय लगा उतने में तीर्थंकर प्रभु की वाणी खिर रही थी और उसमें
दो बातें आई। कौन कौन सी बातें आई? उसमें दो बातें आई कि देवों की परछाई नहीं पड़ती। आप सब लोगों की जो है परछाई पड़ती है, देवों की परछाई नहीं पड़ती और देवों की आंख की पलक झपकती नहीं है। ये दो बातें कांटे निकालते समय उस देव के, उस चोर के कानों में पड़ गई। वह सोच रहा था पिताजी की बात उनकी हमने मान ली और मानने के साथ साथ आज कांटा लग गया। कांटा लगा तो ये दो बातें उसके कान में चली गईं। उसने सोचा मेरे कोई काम की तो है नहीं, लेकिन वह उसका ज्ञान ज़्यादा था और उसको वो दो बातें याद हो गईं। चोर चोरी करता था, चोरी कर रहा था, करते करते उस एरिया में चोरी होने लगी। चोर पकड़ में नहीं आ रहा था, चोरी करने में बड़ा वह माहिर हो गया था। चोरी करता रहा और उस क्षेत्र में चोरियां होने से राजा ने कहा हमारे क्षेत्र में चोरियां ज़्यादा हो रही हैं, चोर को अवश्य ही पकड़ना चाहिए। और राजा ने मुखबिर भेज दिए, मुखबिर भेजे और पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन चोर पकड़ में नहीं आ रहा था। फिर राजा ने कहा कि ऐसी कुछ तैयारी की जाए जिसमें चोर को पकड़ लिया जाए। उस चोर की गतिविधियां कुछ ऐसी थीं, उसको पकड़ा गया। पकड़ने के बाद जब तक उसका आरोप सिद्ध ना हो उसको दंड नहीं दिया जाता। चोर का आरोप सिद्ध हो तभी उसको दंड दिया जाता है। और उससे खूब प्रयास किया गया कि वह उगल दे, उसने उगला नहीं। जैसे आप सबसे कहा जाए ऐसा नहीं करो वैसा नहीं करो, समोसरण में कुछ लोग आते तो हैं चप्पल पहन के आते हैं, वो चप्पल कहाँ रखते हैं? सबसे अच्छी व्यवस्था ये है कि हम भगवान के समोसरण के नीचे ही रख दें, इसमें चोरी ना हो। चोरी करने का हमारा विकल्प है, जब हम चोरी का विकल्प अपने अंदर रखते हैं हमारा ध्यान उन चप्पलों में ही रहता है। ना प्रवचन में आपका मन लगता है, ना शांति धारा में मन लगता है, ना पूजन में मन लगता है, और आपका मन सिर्फ चप्पलों में है। चप्पलों में आपका मन है तो आपका धर्म ध्यान तो बिल्कुल नहीं हो रहा। चप्पलों में आपका मन है, जिसका मन चप्पलों में है वह भगवान के पास रहे या महाराज जी को आहार दे, कुछ भी करे, उसका मन उसी में लगेगा, धर्म ध्यान नहीं होगा। यदि आपका घर ज़्यादा दूर नहीं है तो बिना चप्पल के भी आया जा सकता है। कल भी गई थी, आप लोग तैयार रहे हैं, लाइट जाती है। उस चोर की बात हो रही थी कि वह दो तीन दो बातें उसके कान में पड़ गईं और चप्पल की बात हम कर रहे थे। चप्पल का विकल्प हमें रखना ही नहीं चाहिए, पहन के नहीं आए तो सर्वोत्तम काम है और हमारा मन उस कार्य में लगेगा। प्रवचन के बाद एक भव्य ज्ञानवर्धक नाटिका का मंचन किया गया। हमारी इच्छा इस राजमहल के लिए होती है और ना ही इस राज वैभव के लिए। महारानी तुम ये समझते हो क्या हमारे मन में इच्छा नहीं होती कि हम अपने पुत्रों के साथ रहें? क्या हमारे मन में ये इच्छा नहीं होती कि हम अपने पुत्रों को अपने राजमहल में अपने साथ रखें? अवश्य जाना ही होता। राजा जी, मेरे भी मन में यही इच्छा होती है कि मैं अपने दोनों राजकुमारों को अपने गले लगाकर ये सारा जीवन उनके ही साथ निकाल दूं। इस द्वार से मेरे बच्चे मुझे छोड़कर चले गए और इसी द्वार से वो 20 वर्षों के बाद लौट कर आएंगे। हाँ महारानी,
हे नाथ बचा लेना अर्पण करता हूँ, हे नाथ दिला देना। परमेटिव अक्षय पद प्राप्त यक्षतान निर्पपामिते ओम ब्रीम षट चत्वारिं षट गुण विभूषति हृत् परमेत्येभ्य काम बाण विध्वंसनाय पुष्पाणि निर्वपामिते आपने कभी देखा होगा दोनों घुटनों की दूरी क्या कौन सा अंश आया तुमने बताओ निश्चित तो लिखा था ना समझ में आ गया इसका मतलब क्या था जन्म के दशा से पढ़े के नहीं पढ़े सबने पढ़े भैया जी क्या करें हर बार विधान होता राम तो करते रहते हैं फिर दूसरा आता है गर्मलाती से के साथ सभी श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव से विधान पूजन का आनंद लिया। परमेश्वर आदि आदि गौर मंडल श्री हर परमेश्वर को अर्घ्यम निर्वपामते
आगे हैं, अपना स्थान छोड़ करके खड़े हो जाए, विनय सीखना चाहिए। तो हमेशा ये विनय का पाठ सिखाते हैं, नम्रता से दिखाई देते हैं, लेकिन अपनी दृष्टि में वो दिखाई नहीं देते हैं। अरे गम निर्ममामते, गम निर्ममामते, अरे गम निर्ममामते, संत वीर गुणमंडल श्री हरि परमेश्वर को अरे गम निर्ममामते, अरे गम निर्ममामते, सायकालीन बेला में आरती से पूर्व भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें पुण्यार्जक परिवार जोरों शोरों के साथ भव्य रथ पर सवार हुआ। विविध मार्गों से होती हुई यात्रा कार्यक्रम स्थल पहुंची और सभी भक्तों ने झूमते गाते हुए प्रभु की मंगल आरती उतारी। बोलिए आदि ब्रह्मा से आदिनाथ भगवान की जय, जयकारा जोर से लगाए, चैतन्य चमत्कारी श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। चारित्र सरोवर के राजहंस हमारी आस्था एवं श्रद्धा के केंद्र आचार्य गुरुदेव श्री विद्या सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री अभय सागर जी, प्रभा सागर जी, पूज्य सागर जी महाराज की। हो बाजी छम बाजे छम 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 बाजे गुफेरो बाजे गुफेरो आतो में दीपक लेके आरती करो, बाजे छम 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 दर्शकों। कुछ इस तरह संपन्न हुआ इस महा आयोजन का तीसरा दिन। कल पुनः इसी वक्त देखना ना भूलिएगा चौथे दिन के दृश्य। जय जिनेंद्र।